दुनिया आपको गिरा तो सकती है, लेकिन जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक आपको हरा नहीं सकती है। प्रयास करने में क्या जाता है, करके देखिए एक बार सच्चे दिल से। सफलता मिलनी भी तय है और मिलेगी भी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे अपने जीवन में। ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी हुई है तो आपका जीवन मस्त तो होगा ही, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत भयंकर लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। 5 दिनों के भीतर अगर आपका जीवन ना बदल गया तब जाकर कहना, क्योंकि मित्रों आप लोगों का जो संघर्ष है उस संघर्ष का फल जो है अब आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो है आपके राशि पर शनि ग्रह आपके राशि पर प्रसन्न है। आपके मालिक तो सूर्य भगवान है, आपके रक्षक सूर्य भगवान है, लेकिन शनि ग्रह आपके राशि पर प्रसन्न है और शनि भगवान आपके कर्मों के फलदाता है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के अधिकारी जो होते हैं वो शनि भगवान होते हैं, क्योंकि कर्मों के जो फल देते हैं, जो आप कर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं पर बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सभी कर्मों का फल शनि भगवान देते हैं। और शनि भगवान इस वक्त आपके राशि पर है, आपके घर में है। ऐसे में शनि भगवान आपके कर्मों के फल अवश्य देने वाले हैं। अब आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उनका लाभ मिलने वाला है, अगर कोई गलत काम करते हैं तो आपको गलत काम का गलत नतीजा भी मिलने वाला है। इसलिए इस वक्त थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें सिंह राशि वाले, क्योंकि कर्म आपके आपको लाभ दे सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान आपके राशि पर बहुत तेजी से प्रसन्न है। ऐसे में आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी आप लोगों को मिल सकती है, आप लोग रंक से राजा बन सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके वीडियो में लिखा है, स्टाम्प पर लिख लेना, 5 दिनों के भीतर आप लोग करोड़पति बनेंगे। जी हाँ, 5 दिनों के भीतर आपके जीवन के संपूर्ण संकट खत्म होते हुए दिखेंगे आप लोगों को। लेकिन मित्रों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, काट पीट कर मत देखिएगा, क्योंकि हर एक बात ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है मित्रों। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन का जो बंद किस्मत का ताला है वो खुल जाएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हर दिन आप लोगों को बताता है कहां पर सावधान होना है, कहां पर आप लोगों को लाभ होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को यह पता चलेगा कि आपके जीवन का जो असली खेल शुरू होने वाला था, जो अभी तक नहीं शुरू हुआ था, वो आज से शुरू होने जा रहा है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को लाभ कहां पर मिलने वाला है, आपका जीवन आप लोगों को लाभ कहां पर देने वाला है, किन क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ मिलने वाला है, वो आज आप लोगों को पता चलने वाला है। इसीलिए मित्रों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। और इस वीडियो को अगर जो व्यक्ति देख लेगा उसके जीवन में आने वाले 5 दिन बहुत भयंकर लाभ देकर जाएंगे। बहुत सारे लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनके साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन मित्रों आज आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र को अजमाना है, स्वयं बालाजी की शक्तियों को अजमाना है कि कितनी शक्ति होती है ज्योतिष शास्त्र में, कितनी शक्ति है बालाजी की चरणों में, आज आप लोगों को पता चलने वाला है। इसके लिए आप लोगों को इन वीडियो के शब्दों को थोड़ा सा गौर से सुनना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा, आपके जीवन के बारे में बताया जा रहा, आपके करियर के बारे में बताया जा रहा। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण देखना, आप लोगों के जीवन के संपूर्ण संकट खत्म होते हुए नजर आएंगे आप सभी लोगों को। इसलिए एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। अब मित्रों थोड़ा सा अब ध्यान देना अपने जीवन के शब्दों को। आपका राशि मित्रों सिंह है, और सिंह राशि वाले जातक आखिर सफलता क्यों नहीं पा पा रहे, क्योंकि नौकरी के क्षेत्र में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपका प्यार आपको धोखा दे दिया, आपकी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही। बिजनेस में आप आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस में आप जितना पैसा लगा दे रहे हैं उतना ही पैसा आपका फंस जाता है, डूब जाता है एक तरफ से पैसा आपका। ऐसे में आप लोगों को किन क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है सिंह राशि वालों, और असली खेल जो आपके जीवन का शुरू हुआ है ये आप लोगों को कैसे लाभ देगा,
आपका करियर आप लोगों को कैसे लाभ देने वाला है, वो चाहे आपके नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस के क्षेत्र में, आप लोग कैसे लाभ पा पाएंगे, आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने तो बता दिया है आज से शुरू होगा आपके जीवन का असली खेल। आज से आपको सबसे पहले कर्मों के फल आप लोगों को आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप कोई काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा सिंह राशि वाला। इस वक्त आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है। नौकरी की अगर तलाश करोगे, कहीं पर फोन करोगे, किसी से पूछोगे, तो आप लोगों की नौकरी लग सकती है, वो चाहे सरकारी सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। कहीं ना कहीं आप लोग सेटलमेंट कर पाएंगे इस वक्त, क्योंकि 5 दिनों के भीतर आपके राशि पर चमत्कार होना है। सूर्य भगवान आपके राशि पर एक तरफ से प्रसन्न ही है और शनि ग्रह भी आपके राशि पर प्रसन्न है, और शनि भगवान आपके राशि के मालिक बनकर रह रहे हैं। इस वक्त आपके कर्मों के फलदाता है शनि भगवान, कर्मों के फल दे रहे हैं, तो एक तरफ से आपके राशि सिंह को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और शनि भगवान जो सूर्य पुत्र है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के दाता जो है शनि भगवान माने जाते हैं, आपके कर्मों के फल। आप कोई कर्म करते हैं, कहीं पर अच्छा काम करते हैं, कहीं पर बुरा काम करते हैं, तो आप लोगों को जो न्यायालय या फिर जो आपको लाभ दिया जाता है, या फिर जो आपके साथ कुछ गलत किया जाता है, जहां पर आप गलती करेंगे वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा संकट भी दिया जाता है, वो शनि भगवान के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस वक्त आपके राशि पर ही शनि भगवान है। ऐसे में अगर आप कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, या फिर कहीं पर आप अपने लाभ के लिए कुछ काम करते हैं, तो इसमें आप लोगों को तुरंत लाभ मिल सकता है। शनि भगवान आपके राशि पर हैं और प्रसन्न है, आपके घर में हैं। ऐसे में सूर्य भगवान आपके राशि के मालिक है, आपके राशि की रक्षा करेंगे। अब सूर्य भगवान भी सपोर्ट करेंगे आपके राशि को, और सूर्य भगवान चाहेंगे कि हमारे राशि वाले जातकों को आगे बढ़ा दिया जाए, सफलता दे दिया जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में, अपने करियर में मेहनत बहुत करते आ रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल, उस मेहनत का रिजल्ट इन्हें उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए था। अभी तक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जाकर मिलने वाला है। अब इनको सफलता मिलेगा, अब इनका करियर इन्हें आगे लेकर जाएगा। लेकिन मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा शब्दों को गौर से सुनना, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है मित्रों। क्योंकि आपको भी पता है, जिन घरों की आर्थिक स्थिति सही होती है, वो लोग जो नियमों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। माता लक्ष्मी का वास बना रहता और टिका रहता है माता लक्ष्मी उनके घरों में, तभी तो उनके घर की आर्थिक स्थिति सही है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने जीवन में अगर आपको सफलता पाना है, तो मेहनत के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए, और फल की टेंशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके राशि के स्वामी और आपके घर के सदस्य जो सूर्य भगवान हैं, ये लोग जो है आपको सफलता देने के लिए बैठे ही होते हैं। ये सफलता देने के लिए बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं है सिर्फ आपको सफलता देना, लेकिन आपकी मेहनत किस लाइन में जा रही है, किस साइड में जा रही है, ये आपको देखना है। आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, गलत तरीके से या फिर अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए आपकी किस्मत को जाता है। आपके जो सूर्य भगवान है वो देख रहे हैं आप कैसे काम कर रहे हैं, मेहनत किस हिसाब से कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं या फिर लीगल मेहनत कर रहे हैं या फिर अनलीगल मेहनत कर रहे हैं। सारे कर्मों का फल आपको दिया जाता है, इसलिए कर्मों के फलों को प्राप्त करने के लिए मेहनत आपको अच्छे से करना है। और अगर आपकी राशि सिंह है, तो आप लोग किसी का सपोर्ट नहीं पा पाएंगे अपने जीवन में। आपका राशि सिंह है और आप किसी के सहारे बैठ जाते हैं या फिर किसी के इंतजार में बैठ जाते हैं, तो आप किसी के सहारे और किसी के इंतजार में ना बैठें, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों को कभी भी सपोर्ट किसी का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका राशि सिंह है और सिंह का जो चिन्ह है शेर है, आपके राशि का चिन्ह शेर होता है, और शेर मतलब एटीट्यूड, आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड भी होगा क्योंकि आपकी राशि सिंह है, और सिंह राशि वाले जातकों के अंदर एटीट्यूड होना भी चाहिए। जिन राशियों का चिन्ह जो है शेर होगा, वो राशि के जातक जो एटीट्यूड होंगे, किसी के आगे दबेंगे नहीं,
किसी के नीचे झुककर नहीं चलेंगे, किसी के दबाव में रहकर काम करना नहीं पसंद करेंगे जिनका राशि सिंह होगा, क्योंकि उनको किसी के अंडर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर काम करना नहीं पसंद होगा। किसी के नीचे रहकर या फिर किसी के डांट फटकार सुनकर वो लोग काम नहीं करते हैं सिंह राशि वालों। और सिंह राशि वाले जातकों के अंदर मान सम्मान इज्जत बहुत मायने रखता है। इनको अगर मान सम्मान दोगे तो आपके घर आएंगे, निवारना नहीं आएंगे सिंह राशि वाले जातक, क्योंकि एटीट्यूड की राशि होती है। सिंह मतलब शेर, मान सम्मान हो, जिस तरह शेर का मान सम्मान होता है कि जंगल का राजा कहलाता है शेर, वही लोग सिंह वाले होते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान, हमारा अलग तरीके से मान सम्मान हो, ये सिंह राशि वाले जातक चाहते हैं। और सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में अगर मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, लेकिन इनके मेहनत का फल इनको आसानी से नहीं मिलता, बहुत लेट में मिलता है इनके मेहनत का फल। ये मेहनत तो बहुत करते हैं, काम को भी अच्छे से करते हैं, लेकिन उन मेहनत का, उन रिजल्ट को इनको अच्छे से नहीं मिल पाता है। जो लोग ये मेहनत करते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, ये लोग आसानी से सफलता नहीं पा पाते अपने जीवन में, ये लोग सफलता आसानी से नहीं पाते। मेहनत तो कर देते हैं, लेकिन जब सफलता की बात आती है तो उतनी आसानी से ये लोग सफलता नहीं पा पाते, क्योंकि इनके राशि का जो तत्व बैठा होता है वो होता है अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व चाहता है ये अग्नि की तरह तड़पे, अग्नि की तरह ये लोग जलें, खूब मेहनत करें, लेकिन अग्नि की तरह तड़प कर मेहनत करें, अग्नि की तरह जल कर मेहनत करें। अग्नि तत्व चाहता है कि अग्नि की तरह तड़पे सिंह राशि वाले जातक, क्योंकि अग्नि तत्व जो है सिंह राशि वाले राशियों का तत्व होता है, इसीलिए अग्नि तत्व इनको सताता है। और यही कारण है आप लोगों ने देखा होगा सिंह राशि वाले जातक कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि इनका जीवन इनको चारों तरफ से परेशानियां देता है, परेशानी के ऊपर परेशानी, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, फिर भी कोई नया काम आ जाएगा, काम बिगड़ा जा रहा, पैसा नहीं है घर पर, फिर भी उस काम को बनाने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत है, फिर भी पैसा नहीं है और काम बिगड़ते चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ती चले जाएगा, कोई भी खास मित्र या फिर कोई भी रिश्तेदार इनका फोन नहीं उठाएगा, इनको साथ नहीं देगा, ऐसे ऐसे हालत होते हैं सिंह राशि वाले जातकों का। अग्नि तत्व इनको बहुत सताता है, लेकिन मित्रों जिस तरह अग्नि तत्व सताता है उसी तरह अग्नि तत्व इनको लाभ भी देता है। जब सिंह राशि वाले जातक कहीं पर लाभ पाते हैं तो छोटा मोटा लाभ नहीं पाते, बहुत बड़ा लाभ पाते हैं। और अगर कहीं पर बिजनेस में सफलता पाते हैं या फिर नौकरी में सफलता पाते हैं तो सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं, बिजनेसमैन सबसे बड़े वाले बनेंगे, क्योंकि इनका राशि सिंह है। और सिंह राशि का मतलब होता है शेर, और शेर जंगल का राजा कहलाता है, इसीलिए इनको जब सफलता मिलती है तो बहुत बड़ी मिलती है, लेकिन बहुत लेट में मिलती है, परेशानी इनको बहुत देखने को मिलता है। और जिस सिंह राशि वाले जातक में परेशानी को सहने की क्षमता होगी, मेहनत करने की क्षमता होगी, वही लोग आगे निकल पाते हैं सिंह राशि वाले जातक। और जब आगे निकलते हैं तो छोटे मोटे एरिया में आगे नहीं जाते, बहुत बड़े एरिया में आगे निकल कर चले जाते हैं, इनकी खूबी होती है, आगे निकल कर जब जाएंगे तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर आगे निकल कर जाएंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें, आपका जीवन सिंह राशि वाले लोगों का जो जीवन होता है थोड़ा सा संघर्षशील होता है, इनको आसानी से सफलता, किसी का सपोर्ट या फिर किसी के कहने पर नौकरी नहीं मिलने वाली। आप लोग अगर सोच रहे हैं अभी तक कि हमारा कोई रिश्तेदार पावर वाला है, हमारे दादा पावर वाले हैं, हमारा कोई भाई ऊंचे पद पर है, उनके बदौलत अगर हमें काम मिल जाएगा, तो आप लोगों को काम नहीं मिलने वाला, किसी के मान सम्मान या फिर किसी के वैल्यू से आपको काम नहीं मिलने वाला। अगर मिल भी जाएगा थोड़े दिन के लिए मिलेगा। आपको सफलता अगर लेना है, अपने जीवन को अगर ऊंचे लेवल तक ले जाना है, तो आपको स्वयं के दम पर मेहनत करना पड़ेगा सिंह राशि वालों, क्योंकि आपके राशि का जो तत्व अग्नि बैठा है, ये अग्नि तत्व आपसे मेहनत कराएगा जरूर। जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को तो सफलता नहीं मिल पा रही, और आप सोच रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, हमारी राशि सिंह है, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए आप लोग मेहनत करिए, मेहनत के दम पर ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपका जीवन संघर्षों से रहेगा, आसानी से नहीं व्यतीत होगा आपका जीवन, लेकिन मित्रों कुछ दिनों के लिए रहता है, 25 साल तक आपका जीवन संघर्ष में रहता है। और ज्यादातर जो आपको खुशियां मिलती है तो वो मिलती है 35 वर्ष के बाद सिंह राशि वाले जातकों को।
25 से 35 वर्ष के बीच में इनकी जिंदगी जो है दौड़ भाग की रहती है, और जो इनकी जिंदगी 8 से जो है 16 या फिर 17 के बीच में इनकी जिंदगी बहुत आराम से व्यतीत होती है। कोई भी इनको ज्यादा काम का प्रेशर नहीं पड़ता, इनका जीवन खुलकर चलता है 8 साल से 16 साल तक। लेकिन इनका जीवन परेशानी धीरे धीरे इनके ऊपर जो है माइंडनेस प्रेशर, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर जो है 18 के बाद पड़ने लगता है। फिर ये कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं और उसमें जो है इनका माइंड ज्यादा टेंशन भी लेता है, और ये लोग जो है अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव रहते हैं। तो 15 साल के बाद जो है इनका जीवन संघर्षों का हो जाता है, इनको सिर्फ मेहनत करना होता है। फिर मेहनत ये लोग बहुत करना स्टार्ट कर देते हैं सिंह राशि वाले, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, और सफलता इनको तब तक नहीं मिलती है 25 साल के बाद जो है इनका जीवन और भी संघर्षशील हो जाता है। आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और पारिवारिक लोड भी इनको कभी कभी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बेकार हो जाएगी कि आपको अपने जीवन में बहुत ही परेशानी हो जाएगी, आपके पास कोई साधन नहीं बचेगा, आपके घर पर व्यवस्था बन जाएगा, आपको नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, नीचे कोई गिरा भी नहीं सकता। आर्थिक स्थिति चाहे जितनी गड़बड़ हो जाए, मान सम्मान इज्जत कम नहीं होगी, क्योंकि आपके राशि के मालिक सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान आपके राशि के रक्षक है, और उसके बाद सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जब खुशियां मिलती है तो 35 वर्ष के बाद बहुत खुशियां मिलती है, फिर इनको कोई टेंशन नहीं रहता है। इनके जीवन का संपूर्ण मकसद सिर्फ खुशियों में व्यतीत होता है 35 वर्ष के बाद सिंह राशि वाले जातकों को ज्यादातर, और थोड़ा बहुत तो काम का प्रेशर तो रहेगा, वो तो सबके जीवन में रहता है, लेकिन खुशियों की बात करें तो 35 वर्ष के बाद इनको लोगों को खुशियां मिलती हैं अच्छी। इनका करियर भी इनको साथ देता है, इनका लक भी, इनकी किस्मत भी, सब कुछ साथ देता है, परिवार के लोग भी इनको साथ देते हैं 35 वर्ष के बाद। ऐसे में मित्रों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत करिए, मेहनत के दम पर ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिलने वाला अगर आपकी राशि सिंह है। आपको अपने दम पर, स्वयं के दम पर काम करना है। ये काम करने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप लोग भी लाभ उठा पाएंगे। कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना सिंह राशि वाले जातकों के साथ, क्योंकि हमारा मकसद है सभी लोगों को जानकारी देना, और हमारी टीम इसीलिए मेहनत करती ताकि आप लोग हमारे